डिंडोरी में रात ठेकेदार की गुंडागर्दी से देवारी गांव के लोग परेशान हैं। ठेकेदार के गुर्गे गांव वालों को तंग कर रहे हैं। गुंडागर्दी से परेशान देवारी गांव के लोगों ने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण अपने साथ लाठी और कुल्हाड़ी भी साथ लाए और एसपी संजय सिंह के पास शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक रेत ठेकेदार के गुर्गों और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के गुर्गे उन्हें मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों की भीड़ देखकर गुर्गे लाठी और कुल्हाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां सर राजू खान ठेकेदार के आदमी के द्वारा 14-15 लोग एक पिकअप में पत्थर रख के और कुल्हाड़ी, बड़े बड़े लठ भोंगा और एक बोलेरो में गए थे। वहाँ रेत भरने वाले मजदूरों को मारने के लिए हो रहे थे, कुल्हाड़ी और ये लठ रख के। वो लोग बोले कि वो 10 डंपर रख के गए थे और वो पोकलैन मशीन से हम भरवाएंगे, लेवरों से नहीं, ऐसे बोले। तो लेवर बोलने लगे कि हम भरेंगे, आप लोग मशीन से क्यों भरोगे, हम मजदूर हैं। तो वो लोग कहे नहीं, जो रोकेगा उसको हम इनसे काट डालेंगे, आज निपटो तिवारी वाले, ऐसे करके बोल रहे थे। तो गुर्गों के छोड़े गए लाठी और कुल्हाड़ी को लेकर गांव वाले जब्त करके एसपी के पास लाए, शिकायत करने पहुंचे थे। विवाद की जड़ दीवारी ग्राम में बुडनेर नदी पर रेत खदान से ठेकेदार का पोकलैंड मशीन से उत्खनन करना है। ग्रामीण लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। ये ग्रामीण दीवारी गांव से आए हुए थे और यहाँ पे खदानें चल रही हैं रेत की, और इनकी शिकायत वही थी कि रेत के जो ठेकेदार हैं उनके कर्मचारी हैं ये गाँव वालों से मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं और इस तरह की शिकायतें लगातार शिकायतें आ रही है। हाँ, विगत एक हफ्ते से इस पे जरूर शिकायतें आई हैं और इसमें ठेकेदार पक्ष के द्वारा भी शिकायत की गई कि गांव वाले इसमें काम नहीं करने दे रहे हैं, रेत की ट्रकों को रोक रहे हैं, अनावश्यक रूप से जाम कर देते हैं, काम नहीं करने देते। तो दोनों पक्षों के बीच लगातार इस संबंध में चर्चा हो रही है। और उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मशीनों के साथ साथ गांव के मजदूरों से भी रेत का उत्खनन कराया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहा है, लिहाजा एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डिंडोरी से दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।